I'm Umal. Welcome to my channel UB Zaidi. आज की वीडियो है प्राइमर्स के बारे में. It is one of the most requested videos के प्राइमर्स क्या होते हैं. अभी 2-3 years पहले भी इनका कॉन्सेप्ट आया और आते ही इतना पॉपुलर हो गया. प्राइमर बेसिकली आपके फेस को प्राइम करता है, रेडी करता है फॉर मेकअप. यानी कि जब आप उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो मेकअप बहुत ही स्मूथ और सिल्की और फ्लॉलेस लगता है. प्राइमर होना ज़रूरी है आपके मेकअप स्टैश में या नहीं? यस, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए, प्राइमर बेसिकली आपके पोर्स को फेड आउट करता है. इसकी एग्जांपल आप ऑरेंज टेस्ट से ले सकते हैं. ऑरेंज ले लें और एक प्राइमर ले लें और एक फाउंडेशन ले लें. एक साइड पे आप डायरेक्टली अप्लाई करें फाउंडेशन और दूसरी साइड पे प्राइमर लगा के मैं फाउंडेशन अप्लाई करूँगी. ऑरेंज की स्किन जो है वो ह्यूमन स्किन की तरह पोरस होती है. अब देखें कि ये जो बग़ैर प्राइमर वाली साइड है वो कितनी पोरस है और दूसरी साइड पे कितनी नाइसली फाउंडेशन अप्लाई हुई हुई है और बिल्कुल फ्लॉलेस लग रही है. ब्यूटिशियंस एंड मेकअप आर्टिस्ट से दैट इट क्रिएट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर भी. जो मेकअप के हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं और केमिकल्स हैं वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब ना हो. एलोवेरा जेल को भी एज अ प्राइमर यूज़ किया जाता है क्योंकि वो भी एक लेयर बना देता है आपके फेस पे और इंग्रेडिएंट्स भी उसके एलोवेरा स्किन के लिए बहुत अच्छा है. और जब मैंने ऑरेंज को वॉश किया तो देखें कि जो साइड प्राइमर के बगैर थी उसकी फाउंडेशन पोर्स में जाके क्लॉग हो गए पोर्स. दूसरी साइड देखें जो कि प्राइमर के साथ थी उसके पोर्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, यानी कि स्किन क्लॉगिंग से भी बचाता. मैंने हार्डली कभी किसी को सुना होगा कि उनकी स्किन प्राइमर की वजह से ख़राब हुई है, क्योंकि प्राइमर के इतने माइल्ड और इतने अच्छे डिसेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि उससे किसी की स्किन ख़राब नहीं हो सकती. अच्छा वाला प्राइमर अच्छी कंपनी का लें, डेफिनेटली इट विल सूट यू. प्राइमर्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. एक तो इल्यूमिनेटिंग प्राइमर्स होते हैं और एक होते हैं मैट फिनिश या मैटिफाइंग प्राइमर्स. इल्यूमिनेशन या ग्लॉसी प्राइमर्स बेसिकली आर दोज हु हैव ड्राई स्किन, और मैट वाले प्राइमर्स उन्हें यूज़ करने चाहिए जिनकी ऑयली स्किन होगी या फेस पे स्वेटिंग होती होगी, तो उन्हें ज़्यादा सूट करेंगे. मैंने भी अ नंबर ऑफ प्राइमर्स यूज़ किए हैं, टेस्ट किए हैं, ट्राई किए हैं. हाई एंड प्राइमर्स में फेंटी ब्यूटी का प्राइमर मुझे बहुत अच्छा लगा था. इट वाज़ अमेजिंग गर्ल्स. बेशक बहुत एक्सपेंसिव था बट इट वाज़ वर्थ इट. आप मेरी सेफोरा विजिट टू सेफोरा वाली वीडियो देखें, उस फेंटी ब्यूटी की फाउंडेशन और प्राइमर दोनों टेस्ट एंड ट्राई कर रही हूँ. हाय, इट वाज़ अमेजिंग. मैं उस वीडियो की का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और यहाँ ऊपर कहीं उसका लिंक भी दूंगी, आप उसे भी वॉच कीजिएगा. उसके बाद आता है हुदा ब्यूटी का प्राइमर. मेरा प्राइमर गर्ल्स बहुत पथेटिक प्राइमर था, बिल्कुल केकी, मतलब कि फेस पे लगा वहीं जम जाता है, मतलब कि अप्लाई ही नहीं हो रहा था और बिल्कुल हैवी लुक आ रही थी. मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी. थैंकफुली इट वाज जस्ट अ सैम्पल. मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने उसके ऊपर अपने पैसे नहीं ज़ाया किए. तो हुदा ब्यूटी के प्राइमर वाज अ नो नो फॉर मी. उसके बाद जो आजकल मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ वो है बेनिफिट कॉस्मेटिक्स का पोरफेशनल पर्ली प्राइमर. ये फिनिश का है, बहुत अच्छा प्राइमर है, डिसेंट प्राइमर है. बहुत इसके जो है ना मुझे अच्छे इसके रिजल्ट्स लगे हैं. अब कुछ ऐसे प्राइमर्स की बात करते हैं जो कि पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल हैं, जिसमें आ जाता है रिवाज यूके का प्राइमर. जेल टेक्सचर्ड प्राइमर है, अफोर्डेबल भी है, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग मुझे कोई इतना पसंद नहीं आया. रिवाज यूके कॉस्मेटिक्स की मैंने एक वीडियो की थी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा. बस ठीक है, यू नो. उसके बाद एक और बहुत अच्छा प्राइमर जो अफोर्डेबल भी है, अराउंड 1000 से 1500 रुपीज़ के दरमियान पाकिस्तान में ईजिली अवेलेबल है, वो है लॉरियल का इनफेलेबल मैटिफाइंग प्राइमर.
मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं जैनब. जैनब ने मुझसे बार बार इस प्राइमर के बारे में पूछा है. गर्ल इफ यू आर लिसनिंग दिस प्राइमर इज बॉम्ब. मतलब कि इतना ज़बरदस्त प्राइमर है. मैजिक की तरह मैंने अप्लाई किया और एकदम से एब्जॉर्ब हो गया और इट लेफ्ट अ वेरी स्मूथ एंड बड़े मज़े की सॉफ्ट लेकिन मैट. सॉफ्ट भी हो, स्मूथ भी हो और मैट भी हो. वाओ. पुट अ लिटिल बिट ऑन माय हैंड. यस. It is no doubt good. बहुत मज़े की स्किन छोड़ के गया. मैंने हैंड पे ट्राई किया. एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी अभी एक प्राइमर है सो आई डिडंट बाय इट बट आई प्रॉमिस जब मेरा ये प्राइमर ख़त्म होगा आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बाय दैट वन बिकॉज दैट वाज द परफेक्ट प्राइमर. लॉरियल के प्रोडक्ट्स मुझे वैसे ही बहुत पसंद है लेकिन उनका प्राइमर हैज़ रियली रियली इम्प्रेस्ड मी. गर्ल डू ट्राई इट. अगर आप में से किसी ने किया भी है ट्राई डू लीव अ कॉमेंट. मुझे बताइएगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस उसके साथ कैसा रहा. उसके अलावा फ्लोरमार का है. वाइल्ड के हैं. मतलब कि हर मेकअप कंपनी ने ही प्राइमर्स लॉन्च किए और नो डाउट बहुत अच्छे अच्छे प्राइमर्स मार्केट में हैं. इन्हें अपने मेकअप कलेक्शन में ऐड करें और डेफिनेटली इससे आपके बहुत अच्छे मेकअप में चेंज आता है. तो गर्ल्स ये थी आज की प्राइमर से रिलेटेड वीडियो. आई होप यू गाइज लाइक्ड इट. वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन.